बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर्रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देख पाएंगे आज के मौज़ूआत। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने खुफिया न्यूक्लियर सिटी बना लिया। बैनुल बर्रयाजमी मेजाइल तजुर्बात भी किए, असलहे के ढेर लगा दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में बड़े इंकशाफात। भारत की निस्बत 6 गुना कम दिफाई बजट के बावजूद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? सरकारी मुकदमात में प्राइवेट वकील क्यों पेश हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठाते हुए सरकारी मुकदमात में प्राइवेट वकला की खिदमात नामुनासिब करार दे दी। सवाल ये है कि क्या सरकारी कानून दानों की फौज नाअहल है? सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान की 3 शुगर मिलों को काम करने से रोक दिया। शुगर मिलें शिमाली पंजाब से जुनूबी पंजाब मुंतकिल की गई थीं। दरख्वास्त जहांगीर तरीन ने दायर की। क्या इन मिलों से हमजा शहबाज का मुफाद जुड़ा है? सुप्रीम कोर्ट का सवाल। बड़ी अहम खबर शाम साहब, आज भारतीय जंगी जुनून के हवाले से जो हमारी लीड स्टोरी भी है, दफ्तर खारजा ने कुछ ब्रीफिंग में इसका जिक्र भी किया कि खुफिया न्यूक्लियर सिटी भारत बना रहा है, बैनुल बर्रे आजमी मेजाइल तजुर्बात किए जा रहे हैं। और तो और शाम साहब, दुनिया भर से यानी दीगर ममालिक से जंगी साजो सामान खरीदने के एतबार से भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। और देखिए कि दिफाई अखराजात के लिए 2,74,000 करोड़ रुपये की रकम मुख्तस की है और इसमें 68,400 करोड़ सिर्फ दिफाई साजो सामान के लिए, 86,000 करोड़ पेंशन इसके अलावा, और 10% बजट में इजाफा किया गया है। इस दफा जो बजट वहां पेश हुआ भारतीय असेंबली में, ठीक, तो ये भारत के इरादे हैं क्या? पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तशवीश की लहर दौड़ी है लोगों के यहाँ ये मालूम और ये इंकशाफात सुनने के बाद। देखें, ये जो भारत एक खुफिया शहर तामीर कर रहा है ना, न्यूक्लियर सिटी, ये उसकी रियासत कर्नाटका जो है उसमें बनाया जा रहा है और हजारों एकड़ अराजी जो है इसके लिए मुख्तस की गई है, बल्कि 20 मुरब्बा मील का एक टुकड़ा है और फिर उसकी यानी एक बड़ी इसकी कई सालों से ये खुदबुद हो रही है। कई अदारे इसको रिसर्च कर रहे हैं, बैरून मुल्क भी, अंदरून मुल्क भी। और ये जो अल जजीरा है उसने एक इंडियन खातून जर्नलिस्ट ने उसको भी हायर किया था कि वो जाके देखे, मंदाकिनी गहलोत उसका नाम। हाँ, और उसने एक फिल्म भी बनाई इस शहर की जाके, तो इसमें तो बड़ा तूफान बरपत, चरागाहें जो है बर्बाद हो गई, नीचे से जब खुदाई हुई और पानी जो है वो उस इलाके का जेर जमीन वो खत्म हो गया, वहां किसानों की खुदकुशियां होने लगी। तो वो जो वहाँ एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसका बहुत बड़ा जखीरा होगा वहाँ, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ यूरेनियम, ये जो आपका हाइड्रोजन बम है वो उसका तजर्बा वो बनाएगा। इंडिया अब इस पर है कि हाइड्रोजन बम बनाए। अच्छा, अभी हमें बताया जा रहा है कि नफीस जखरिया साहब खुद भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे ही पूछ रहे थे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जनाब नफीस जखरिया साहब भी मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जखरिया साहब, ये बताइए कि आपने जो आज अपनी ब्रीफिंग में ये बात कही है तो इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बेसिकली तो ये सब जो है अभी कोई 200 बिलियन रुपए जो है उसका सामान सारा सामान खरीदने के लिए डील साइन की है मुख्तलिफ ममालिक से। ठीक, तो इस सिलसिले में जो है मैंने उनको ये बताया था कि इंडिया के जो डिफेंस बिल्डअप है न्यूक्लियर भी और कन्वेंशनल भी, वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए खतरा है बल्कि पूरे खत्ते के लिए जो है खतरा है। मगर ये जी हाँ जी हाँ जी उस उनका जो है बेसिकली इन्होंने अपना न्यूक्लियर ट्रायड जो है वो भी कंप्लीट कर दिया है। आपको शायद इसके बारे में पता होगा, आई एम श्योर, कि लास्ट जो इनका था वो इन्होंने सबमरीन जो है न्यूक्लियर केबल सबमरीन जो है वो लॉन्च की थी
अक्टूबर 2016 की बात है, एट मी आप दोस्त जी जी, तो वो उससे पहले जो है इन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम न्यूक्लियर ट्रायड जो अपना कंप्लीट करेंगे, वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। जमीन और बरी और फजाई जो है वो उनके पास ये न्यूक्लियर सरायतें जो हासिल कर दी है। ये जो है बेसिकली ना सिर्फ ये बल्कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो भी बहुत तेजी से जो है बना रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल टेस्ट फायर कर रहे हैं। उसके अलावा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है सिस्टम उन्होंने भी वो भी डेवलप कर लिया है। ये जो इनका पास अभी जिक्र किया था साइंस साहब ने, स्टॉक फाइल जो है फिशल मटेरियल का वो यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन जो कि आउटसाइड आईएसए सेफ गार्ड है। तो इसके बाद ये तो ये जो न्यूज है न्यूक्लियर सिटी की, वो 2015 में जो है लखनऊ ने पहली दफा इसको सरफेस लाई थी जब कोई फॉरन पॉलिसी का एक एनालिसिस इसके ऊपर शाया हुआ था, वो बोलते इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी। तो उसमें सारे अटैक सामने आए थे कि सिटी से वो वहां पे थर्मो न्यूक्लियर वेपन जो है प्रोड्यूस करें। तो ये है सवाल, और ये काफी तशवीशनाक है। पाकिस्तान आर्म रेस के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान ने जो पहले बात कहता रहा है कि इनका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है जिसको ये डिनाय करते रहे पहले, नहीं तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होंगे इसके बाद? तो पाकिस्तान पहली बात तक अपने आप को इससे अलग रख सकेगा? अलग रखने की बात नहीं है, पाकिस्तान ने मिनिमम क्रेडिबल डिफरेंस अपना स्टैब्लिश किया हुआ है तो सबके सामने है, और हमने ये बताया कि ये सिर्फ इंडिया ही के अगेंस्ट है, इंडिया ही स्पेसिफिक है, और हम जो है वी डोंट बिलीव इन आर्म्स रेस क्योंकि हमें पता है कि ये वसाइल बेसिकली जो है इस्तेमाल होने चाहिए सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्ट के साथ। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इनका जो अभी डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट इशू की थी कि न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज जो हमारा है उनका अपना वो उसको रिव्यू करना चाहिए, और इनके फिर आर्मी चीफ जो नया आर्मी चीफ है उन्होंने भी कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का एडमिशन की है। फिर हम देखते हैं कि ये बाकायदा एक डिफेंस बिल्डअप हमारे सरहदों के करीब भी कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस पर ब्रीफ भी किया और कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नफीस ज़करिया साहब। देखिए इसमें तो इसका तो जो पूरा खत्ता है ना उसमें चीन भी आ जाता है ना, चीन के और इंडिया के ताल्लुकात भी इससे मुतासर होंगे, क्योंकि देखिए इंडिया चीन ने जो अपना तजर्बा किया था न्यूक्लियर 1967 में किया था, मेरे ख्याल 64 में, उसके बाद उसने अपना हाइड्रोजन बम का तजर्बा भी कर दिया 1967 में, ठीक, लेकिन उसके बाद 1996 में चीन ने CTBT पर दस्तखत कर दिया, कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, और उसके बाद फिर उसने बहुत यानी ये अपना एक जो उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि वो एक तो कम से कम जो डेट्रेंस है अपने पास रखेंगे और दूसरा ये है कि पहल नहीं करेंगे, ये भी अहद किया, किसी पर हमला नहीं करेंगे न्यूक्लियर, और यानी चीन ने अपने आप को रोक रखा है, को नया तजर्बा उसने उसके बाद नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। तो अब जो इंडिया है उसने कोई CTBT पे दस्तखत नहीं किए हुए, जाहिर है कि तजर्बे उसने किए हैं, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, पाकिस्तान को भी मजबूरन धमाका करना पड़ा, और उसको कोई यानी वो एक मुसलमा एटमी ताकत नहीं है, ठीक, लेकिन अमरीका ने जो उसके साथ 2007 में वायदा किया न्यूक्लियर यानी सप्लाई का, उसकी वजह से उसका हौसला जो है जवान हुआ, फिर वो न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में उसने कोशिश की कि वो अपनी मेंबरशिप हासिल कर ले, वो मेंबरशिप उसको नहीं मिल सकी चीन की और तुर्की की मुखालफत की वजह से। तो अब ये जो एक दौड़ शुरू होगी या एक नया खतरा पैदा होगा कि चीन को भी सारी सूरत हाल का असर जायजा लेना होगा, और पाकिस्तान तो जाहिर है कि उसकी जो सलाहियत है वो दिफाई है, तो दिफाई सलाहियत जो है हम कम से कम उसको मेंटेन करना चाहेंगे। लेकिन सर क्या कीजिए, इतना अरबों खरबों डॉलरों का बजट इंडिया का दिफा का और नंबर वन असलहे की दौड़ में, एक कबूतर जो हमारा गया वहां पे जामबाज 5547 वो श्री गंगानगर जो जिला है भारतीय पंजाब का, वहां पुलिस ने डिटेन किया
वो उड़ के वापस आ गए, वो कैद कर गया था। अब वो कहते हैं हेड कांस्टेबल ने वो पिंजरा खोल के उसको देखने की कोशिश की, तो वो गायब था, वो उड़ गया। और कबूतर की तो खसूसियत है ना कि वही वापस आ जाता है जहां से गया, जहां से गया। अब वो पूरी पूरे इंडिया में कलबली मची हुई है कि कबूतर जो है। ब्रेक नाजी ले लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ मामला होंगे सुप्रीम कोर्ट के भी जेरे बहस। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी अहम खबरें हैं, सियासत की तो हम बात करती हैं। गर्मा गर्म है, गर्मा गर्म। अच्छा। एक तो पनामा की समाअत भी शुरू हो रही है ना 14 फरवरी के बाद। शुरू हो, हाँ। तो खबर है, एक तो सरकारी मुकदमात में सरकारी वकला की बजाय जो प्राइवेट वकला की खदमात सरकार हासिल करती है उस पर बड़ा अहम फैसला और इजहार पसंदीदगी किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और ना पसंदीदगी। हाँ, दूसरा अहम बात यह कि 3 शुगर मिले हैं, कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक शरीफ खानदान से, इन शुगर मिलों का, इनको क्रशिंग से काम करने से आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। इसमें हसीब, इत्तेफाक और चौधरी शुगर मिले हैं जो शुमाली पंजाब से जनूबी पंजाब मुंतकिल की गई। लाहौर हाई कोर्ट भी रुजू किया गया, एक स्टे ऑर्डर भी लिया गया, एक सीएम पंजाब के नोटिफिकेशन का हवाला भी उसमें दिया जाता है। और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जो है उनकी JW जो मिल है उसकी वसादत से ये दरख्वास्त वहां गई सुप्रीम कोर्ट में। तो आज चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में बेंच ने फिर फैसला दिया कि ये काम नहीं कर सकती, ये मिले वहां नहीं जा सकती थी, ट्रांसफर नहीं हो सकती वहां जाके, ऑपरेशनल नहीं हो सकती क्योंकि कोई नई मिल जो है शुगर मिल नहीं लगाई जा सकती सूबे में है। और इसका मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह भी मुंतकिल नहीं किया जा सकता। चलिए, तो ये चौधरी एतजाज साहब जो थे वो आज वकील थे वहां पर इस अहम मामले में। मुमताज कानूनदान, सीनियर सियासतदान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए। एतजाज साहब, ये बताइए ये कौन सी मिले हैं जिनका आपने ऑपरेशन रोक दिया है या रुकवा दिया है? ये शमी साहब शरीफ खानदान की मिले हैं, 3 मिले हैं उनके, वो सारे कजन वजन, वो मैंने उनकी प्रोफाइल भी, एक्विटी की प्रोफाइल भी पेश की अदालत में। तो ये शरीफ खानदान की मिले हैं, तीनों मिले ये वस्ती पंजाब जो के जहां भी गन्ना होता है, हाँ जी, इसको इनको जनूबी पंजाब में लेके जा रहे हैं, ले गए हैं जनूबी पंजाब के बारे में वाजे फैसले, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हैं कि शुगर मिलें बहुत ज्यादा लग गई हैं, जमीन की हैयत वहाँ खराब हो रही है और कपास की फसल जो है वो तबाह हो रही है और कपास की फसल असल में फॉरेन एक्सचेंज है जो कि जिसका कपड़ा भी बनता है, वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा होती है। शुगर तो चीनी रहती है, फार्मास्यूटिकल में हो गई, लेकिन जो कपास है इससे वैल्यू एडिशन होती है, धागा बनता है, कपड़ा बनता है, कपड़े से ब्लीचिंग ड्राइंग होती है, कपड़े बनते हैं, स्टिच वेयर की इंडस्ट्री है। तो ये गवर्नमेंट का भी मौकफ रहा था, वफाकी हुकूमत का भी और डाब हुकूमत का भी, जब तक इनकी मिलों का मसला नहीं आया, बड़ा क्लियरली हर एक जो मिल लेके जाना चाहता था जब भी संचार, तो वहां गन्ने का में मिठास ज्यादा है, सुक्रोज कंटेंट जिसको कहते हैं, शक्कर उसमें ज्यादा है, तो वो ये मिले उठा के ले गए। और जबकि हाई कोर्ट में जब हमने रिट की तो हाई कोर्ट में यके बाद दीगरे 9 अहकामात इम्तनाई हुए कि आप मिल को नहीं ले जा सकते, आप इस मिल को, मशीनरी को जनूबी पंजाब में, भावलपुर में, राजनपुर में, मुजफ्फरगढ़ में नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल इन्होंने किसी ऑर्डर की परवाह ही नहीं की, बल्कि एक दफा इन्होंने ये मौकफ तहरीरन दरखास्त दे के मौकफ इख्तियार किया कि हम
नई मिल लगा ही नहीं रहा है, हम शिफ्ट भी नहीं कर रहे हैं, शुगर मिल नहीं लगा रहे, हम वहां पावर प्लांट लगा रहे हैं। आपको ऑर्डर किया कि पावर प्लांट भी लगा रहे हैं या किसी किस्म की भी जो तामीर और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो आपको रोका जाता है। ठीक, उसके बावजूद ये तीन मिलें बड़े जोम के साथ, इनको जरा जोम कुछ था कि आखिरकार हुक्मरान खानदान है, पर आयशा मलिक साहबा ने, जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने इनके खिलाफ फैसला दिया और इनको वहां मिल चलाने से और बिल्कुल कारोबार करने से, शुगर का इन मिलों के जरिए कतई तौर पे हतमी फैसला रिट में करके और रोक दिया। इन्होंने एक दिन में ही अपील कर दी डिवीजन बेंच दो जजेस के सामने, दो जजेस ने इनको इजाजत दे दी ठीक ऑपरेट करने की। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। तो आप डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए? जी, हम डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ ठीक में गए। तो आप सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा लाहौर हाई कोर्ट को रेफर कर दिया केस? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि इंटर कोर्ट अपील को जजों के रूबरू जो है उसका फैसला तो होना है, ठीक, असल तो वो पिटीशन है, ये मामला है सिर्फ अबूरी रिलीफ, अबूरी साथ का, ठीक रोका जाए, यानी क्रशिंग नहीं कर सकेंगे ये मेल्स कुछ अर्से के लिए। वक्त के आईटीए जो है इंटर कोर्ट अपील है वो तो पेंडिंग है ना, हमने तो उसको तो चैलेंज नहीं किया था। इंटर कोर्ट अपील जो बैन अदालत अपील होती है वो उसका हक है, हमने सिर्फ कहा कि जब तक आईसीए का फैसला नहीं होता क्रशिंग नहीं कहेंगे। ठीक ठीक शोहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको सही तौर पर हम सुन भी नहीं पा रहे थे, लेकिन मामला हम समझ रहे हैं। मुख्तसर ये बताएं, मुख्तसर ये है कि वो जो वो कह रहे हैं जनूबी पंजाब में गन्ने का ज्यादा लजीज है, गन्ने से वो शुगर ज्यादा वहाँ, इसलिए वहाँ रुख कर रहे थे लोग, वहाँ भी रुख करना चाहते हैं लोग। और फिर ये सिंध है, सिंध का गन्ना जो है वो भी वहाँ पहुँच सकता है, वहाँ नहीं, वहाँ याफ्त ज्यादा होती, अच्छा शुगर ज्यादा होती। अब ये मामला तो फिर अब वापस कोर्ट में आ गया है, अगर कोर्ट कहेगी तो मिले जो है वो चल पड़ेंगी, ठीक है, और नहीं कहेगी आरजी तौर पर रोक दी, तो कानून की हकमियत तो फिर यही है। एक और मामले में सामने तो फिर महमूद और अय्याज सबको खड़ा होना चाहिए। एक और मामले में कानून ने अपनी हकमियत याद दिलाई है सरकार को, वो मामला आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक शाम साहब। एक और बड़ा अहम शाम साहब एक मौजू है कि सरकार के मुतालिका जो केस है जिसमें सरकार, हाँ, जिसमें सरकार को फरीक बनाया गया है, जिसमें सरकार फरीक होती है उसमें तो उसके पास बेशुमार वकला होते हैं, तो फिर प्राइवेट वकला की जरूरत होती है, सरकार पर बेशुमार मुकदमात होते हैं वफाकी हुकूमतों पर, सूबाई हुकूमतें, मुख्तलिफ महकमे जो हैं उनको, मुख्तलिफ महकमों पर, और मुख्तलिफ महकमे जो है ना वो तो अपने वकील आप भी कर सकते हैं और उनके होते हैं, मगर वैसे भी उनके कानूनी मुशीर तो होते हैं ना। हाँ जी, हाँ। वो जो सूबाई और वफाकी हुकूमतें हैं इन्होंने एक स्टैंडिंग काउंसिल्स रखे होते हैं अपने, ठीक, एक तो एडवोकेट जनरल का ऑफिस होता है ना और अटॉर्नी जनरल का ऑफिस, यानी हमा वक्त मुयसर, फिर एडिशनल होते हैं, फिर अटॉर्नी, फिर उसके असिस्टेंट होते हैं, और फिर स्टैंडिंग काउंसिल्स होते हैं जो लिस्ट में होते हैं सरकार की, और जब वो सरकारी को मुकदमा उनको दिया जाता है तो फिर उसके मुताबिक उनको फीस उनकी तय होती है, उसके मुताबिक फीस अदा कर दी जाती है। उसके बाद ये एक रवाज चल पड़ा है कि अब जो, क्योंकि अपने वकीलों पर सरकार का भरोसा नहीं होता, वहाँ तो आप सियासी बुनियादों पर या अपनी सिफारशी बुनियादों पर, ठीक, तो वो वकील रख लेते हैं, लेकिन जब मुकदमा लड़ना पड़ता है तो फिर खतरा पैदा हो जाता है कि ये तो कि पता अगर नहीं, ये वकील हमारे जाएंगे तो मुकदमे का क्या हश्र होगा। यही अहम नुक्ता जो है ये उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए फिर प्राइवेट वकील हायर किए जाते हैं, हाँ।
जिनमें अकल समझ बूझ ज्यादा होती है ताकि उनका रिस्क कम हो जाए। आपने तो वजह बता दी ना कि सरकार ये प्राइवेट वकीलों की तरफ रुझू क्यों करती है, आपने तो वजह लुबे लुभा बता दिया। तो सरकार जो अपने वकील रखती है उनमें कच्ची खासी तादाद ऐसी होती है जो मुकदमे लड़ने के लिए नहीं होती, ये दर्शनी पहलवान होते हैं। यही तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पहले रिपोर्ट देखिए किसी मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान और तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी केसेस में प्राइवेट वकला की खिदमात को गैर मुनासिब करार दिया है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच की जानिब से मुख्तलिफ अपीलों की समाअत के दौरान सामने आई। इन अपीलों में एक अपील साबिक चेयरमैन पेमरा रशीद अहमद की थी। रशीद अहमद को 2014 में एक सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए ओहदे से हटाया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने अक्टूबर 2015 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया, लेकिन उनकी अपील मुस्तरद हुई। फिर जब यही अपील सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस दोस्त मोहम्मद कर रहे हैं के सामने आई, तो मुअज्जज बेंच को इल्म हुआ कि केस में हुकूमती नुमाइंदगी प्राइवेट वकील की जानिब से की जा रही है। यही नहीं बल्कि वकील मौसूफ के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड भी दस्तयाब नहीं था जिससे तस्दीक होती कि वो हुकूमती नुमाइंदे हैं। 19 सफात पर मबनी फैसले में जस्टिस काजी फायज ईसा लिखते हैं कि दिस प्रैक्टिस मस्ट स्टॉप। सरकारी केस में प्राइवेट वकील को फीस देने पर मुतालिका कानून के तहत इंजबाती कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। फैसले में मजीद लिखा गया है कि एक आम शहरी को हक हासिल है कि वो किसी भी वकील की खिदमात हासिल कर सकता है, लेकिन विफाकी और सूबाई हुकूमतों के पास तो पहले ही से तनख्वाहों पर कई माहिर कानून और लॉ ऑफिसर्स की खिदमात दस्तयाब होती हैं। ऐसे में अगर हुकूमत को लगता है कि कोई सरकारी वकील किसी मुकदमे में सरकार का दिफा करने का अहल नहीं, तो फिर हमें पूछना चाहिए कि सरकार ने ना अहल वकला की खिदमात क्यों हासिल कर रखी हैं। ऐसे इकदामात से दो दो बार अवामी पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, पहले ना अहल सरकारी वकील को रखने के लिए और फिर प्राइवेट वकील की खिदमात की मद में। सुप्रीम कोर्ट 2012 में कह चुकी है कि रियासत पर रियासती असासा जात का तहफ्फुज लाजिम है। महमूद अख्तर नकवी केस में सिंध हुकूमत की जानिब से प्राइवेट वकील की खिदमात हासिल करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि एडवोकेट जनरल सिंध या लॉ ऑफिसर की बजाय प्राइवेट वकील की हायरिंग की मंजूरी लॉ डिवीजन से ना ली गई और ना ही इस बारे किसी कानूनी हवाले का जिक्र किया गया है। याद रहे कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस साकिब निसार जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने भी सरकार की जानिब से प्राइवेट कानूनदानों की सर्विसेज हासिल करने की पॉलिसी को सख्ती से नापसंद किया था। सरकारी कानूनदान नाहिल हैं तो उनका बोझ क्यों उठाया जा रहा है, इस पर शामी साहब का तजिया एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ये जो हमने सरकारी वकला की कहानी छेड़ी उस पर रसाद रसूल साहब से भी राबता हुआ, हमारे लाहौर न्यूज़ के तजियाकार हैं और मारूफ कानूनदान भी हैं। उन्होंने दो हफ्ते पहले कॉलम लिखा था और उसमें उन्होंने जिक्र किया था इसी मामले पर कि पंजाब की सिर्फ मिसाल देते हुए उन्होंने कहा था कि 22 एडिशनल एडवोकेट जनरल्स हैं यहाँ पर, 44 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स हैं और 100 से जायद अमला है क्लैरिकल जिनको उनकी निगहदाश्त या देखभाल या दफ्तर चलाते हैं। हाँ, तो इसके अलावा बाकी भी होंगे कई जो मुख्तलिफ महकमा जात के मुशीर हैं। हमारे बैरिस्टर जहांगीर जदून जो हैं उनका एक मैसेज आया, उन्होंने कहा जी कि अब जो पहले स्टैंडिंग काउंसिल्स थे ना, अब उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल कहते हैं, अब फिर उसके बाद डिप्टी अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और इनकी जो तनख्वाह है यानी वफाकी बात कर रहे हैं वफाकी सतह की, वो 1.5 लाख से डिप्टी अटॉर्नी जनरल की 1.5 लाख से 2 लाख तक है। उन्होंने कहा यह तनख्वाह बड़ी कम है, अगर इस तनख्वाह को ज्यादा कर दिया जाए, उनको फैसिलिटेस किया जाए, तो फिर ये ज्यादा काम कर सकते हैं। अब हम अगले मौजू की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात सुनिए कि मखदूम अली खान साहब, सिंध हुकूमत ने जो मुशीरों और वजीरों की तकरीरी को मामले को अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ उन्होंने मखदूम अली खान साहब को जहमत दी कि आप हमारी नुमाइंदगी करें। इस ऑर्डर के बाद उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं होता, मुझे शर्म आती है कि मजीद मैं इसमें वो नहीं देख सकता क्योंकि ऑर्डर आ चुका हुआ है, इसलिए मैं नुमाइंदगी करने। लेकिन कई मुकदमा ऐसे जरूर होंगे, एक तो एक ये भी देखना चाहिए कि एक तो काम बहुत होता है और कई मुकदमात ऐसे भी होंगे कि जहां आपको दूसरे वकील जो हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, उसकी क्योंकि पॉलिसी वजह हो जाएगी। सिंध हुकूमत की कई जगह नुमाइंदगी करते हैं, इरफान कादिर साहब करते हैं, मतलब ये मगर इस फैसले के बाद तो शायद ना कर सके, तो इसकी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि हुकूमत को भी नुकसान ना हो ना। शाम साहब, हमें सीनियर जर्नलिस्ट हम ज्वाइन कर चुके हैं मुबशर मीर साहब, और मुबशर मीर साहब जो हैं, जी हाँ देखिए मुबशर मीर साहब गए थे थर। मुबशर मीर साहब तशरीफ रखते हैं, पहले उनका खुश आमदीद कर लेना प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम जामी साहब, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज के शामी साहब के साथ प्रोग्राम में शरीक। अब आप आपको बताने लगे, नाजरन को बता देना कि आपको जहमत क्यों दी है। मामला यह है कि मुबशर मीर साहब हमारे गए थे, अभी हमारी CPNEM काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स का एक डेलीगेशन गया था थर में, जो थर कोल प्रोजेक्ट है जो माइनिंग हो रही है वहां, उसको देखने के। और वो बिजली क्या है? और वो एंग्रो की दावत पर, कि सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी है, ठीक है, जो सिंध हुकूमत और एंग्रो के इश्तराक से कायम हुई है 2009 में, ठीक है, और अब ये यहाँ से बिजली कोयला हासिल कर रही है और बिजली पैदा करने के मनसूबों पे काम कर रही है। तो इनसे पूछ लेते हैं, आप पहले एक बात समझे कि ये थार का जो जखीरा है कोयले का, ये 16वां बड़ा जखीरा है दुनिया का, पूरी दुनिया में 175 बिलियन टन यहाँ सोने अपना कोयले के जखायरे हैं, और 9 काला सोना कह लें, हाँ जी काला सोना, और 9000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। लेकिन इसकी उसकी ऐसी इसके अंदर कुछ सॉफ्टनेस है, कोई ऐसी कंपोजिशन थी कि इसको आसानी से निकालकर इससे बिजली पैदा करने का कोई मंसूबा अभी तक कामयाब नहीं हुआ। 1991 में ही दरियाफ्त हुआ था। तो अभी ये जो एंग्रो ने जो काम शुरू किया है, तो कुछ ब्लॉक एक 660 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे पे काम हो रहा है, तो माइनिंग भी की हो रही है और वो प्रोजेक्ट भी लग रहा है। अब उसको ये देख कर आए हैं, इनसे पूछ लेते ना, तो इनसे हम पूछना ये चाहते हैं कि इन्होंने क्या देखा है और किस तरीके से ये जो ख्वाब है ये शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये एग्जैक्टली किस किस जगह पे आप गए, और शामिल जब जैसे पूछ रहे हैं कि प्रोग्रेस ऑन ग्राउंड कैसे देखी आपने। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूं कि जो पाकिस्तान में सूबा सिंध का थरपारकर का जिला है, और ये इंडिया के बॉर्डर के साथ राजस्थान के साथ लगता है, जैसे शामिल साहब ने बताया कि ये 9000 किलोमीटर स्क्वायर पे फैले हुए जो है वो जखायर हैं। हैरान कुछ बात ये है कि इसका ये जो टोटल जखायर हैं, ये 93% जो है ये पाकिस्तान में है, अच्छा, और 7% इंडिया में है, और इंडिया के वजीर आजम नेहरू ने शुरू में ही इस पे काम शुरू कर दिया था, और वो इससे बिजली पैदा कर रहे हैं कई सालों से। हमारे यहाँ जो है वो पानी की तलाश हो रही थी, जिसके बाद जो है ये जखायर जो है ये दरियाफ्त हुए, और इस वक्त जो पोजीशन है वहां पे जो माइनिंग हो रही है, तकरीबन जो कोयला है वो 135 मीटर जो है वो डेप्थ पे है, ठीक, एक तकरीबन 60 मीटर तक जो है इसकी खुदाई हो चुकी है जो हमने देखी है। उसके बाद जो है एक लेयर है पूरी रेड मिट्टी की, वो निकलेगी, फिर उसके बाद कोयला है, फिर लेकिन कोयले के नीचे पानी है, जो इंटरेस्टिंग बात है जिसकी वजह से इसकी बड़ी डिस्कशन रही है कि उस पानी को पहले निकाला जाएगा, उसके बाद कोयला जो है वो काबिले इस्तेमाल होगा, और उसके लिए जो है वो पावर जनरेशन प्लांट जो है उसका भी काम साथ साथ चल रहा है। जो टारगेट है इसका वो जून 2019 है कि जब ये बिजली के पहला जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो ऑन हो जाएगा। इस वक्त जो है वो सिचुएशन ये है कि जो उससे मुतासर इलाका है वो भी जेरे बहस है कि कुछ लोग जो हैं जो वहां पे रहते हैं उनको, और फिर उसके अलावा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो है उसको किस तरह जो है वो एड्रेस किया जाएगा, उसके ऊपर भी साथ साथ काम हो रहा है। फिर वहां पे जो है वो प्लांटेशन का काम जो है वो भी साथ साथ किया जा रहा है। जो मुतासर इलाका होगा उसके लिए नया एक पूरे दो जो है वो गोट्स जो हैं वो जेरे तामीर हैं, उसका एक मॉडल घर जो है वो भी उन्होंने बना लिया हुआ है। नहीं तो जो हमने देखा है लोग हैं या मुकामी लोग हैं, एक मिनट मुबशर ये बताएं कि अब इसमें कोई रुकावट नहीं है, यानी ये टेक्नोलॉजी आपके पास ऐसी आ चुकी है कि आसानी से ये कोयला निकाल के इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी इस बारे में एतमाद है एंग्रो में? जी जी बिल्कुल, ये कोयला जो है शामी साहब ये लिग्नाइट इसकी किस्म है, और दुनिया में तकरीबन 20% जो है इसी किस्म का कोयला पाया जाता है, और इससे जो है वो बिजली पैदा भी होती है। इसमें सल्फर की जो है वो कम तादाद है। चाइनीज कंपनीज जो हैं इस कंसोर्शियम का हिस्सा हैं। एक चीज जो मैनेजमेंट ने हमें बताई है वो ये है कि बॉयलर जो है वो एक बहुत ही बेहतर कंपनी से वो खरीद रहे हैं, अगरचे चाइनीज कंपनी भी बेहतर बॉयलर बना रही थी लेकिन उससे भी बेहतर वो जो है वो इसको तैयार करवा रहे हैं। और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है उसको क्लियर करने के लिए एक जो टावर वहां पे जेरे तामीर है, क्योंकि कार्बन की ही प्रॉब्लम होती है कि कार्बन किस तरह असरअंदाज होती है,
तो 180 मीटर जो बुलंदी का टावर है वो बनाया जा रहा है, तकरीबन उसमें भी 60 से 70 मीटर जो है उसकी तामीर जो है वो हो चुकी है, यकीनन आप तस्वीर में उसको देख रहे होंगे। अब रुकावट कोई नहीं है, यकीनन कोई रुकावट नहीं है। दो कंपनियां फॉर्म की पानी निकलेगा, जो पानी निकलेगा वो कहां जाएगा जी, उसकी तो बड़ी मकदार होगी ना पानी जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जी सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। कुछ लोग इसके ऊपर एहतजाज भी कर रहे हैं कि हमें जो है वो पानी से जो एक छोटा सा डैम बनेगा उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसके अंदर जो मुतासर हो रहे हैं चांदे गांव मुतासर हो रहे हैं उनका इस पे प्रोटेस्ट भी है, उनके साथ मैनेजमेंट जो है वो बातचीत का सिलसिला भी रखे हुए है, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी उसके पीछे आ चुके हैं। हमने सीपीएनई के वफद ने उन लोगों से जाके प्रेस क्लब इस्लाम कोर्ट में मुलाकात भी की, उनके कंसर्न्स जो हैं वो भी जाने, और इंटरेस्टिंगली के जो एंग्रो के जिम्मेदारान हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर शमसुद्दीन शेख साहब से जो मुलाकात हुई उन्होंने मुकम्मल तौर पर सीपीएनई को भी कहा कि अगर आप कोई ऐसे मुआहदे पे इनको ले आते हैं तो हम उस पर बगैर कुछ बात किए साइन कर देंगे और सीपीएनई को जो है वो पूरी तरह हम अथॉरिटी भी देते हैं, रॉयल्टी भी। इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ शामी साहब जी, जी शामी साहब एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो बड़ी नौइयत के प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान में, खासतौर पे ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, $2 अरब प्लस प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ऑब्जर्वर ग्रुप होना चाहिए जो खासतौर पर उसमें एक्सपर्ट्स भी हों, मीडिया पर्सन भी हों और भी लोग हों कि जो उस मनसूबे को खासतौर पर देखें कि जो प्लेज किए जा रहे हैं, जो इसमें कमिटमेंट्स की जा रही हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। उसके अलावा जो एक डिस्प्यूट मैनेजमेंट और फिर रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन का अमल है वो भी साथ साथ जो है वो देखा जाए, मगर कुछ बात लोग जो है वो उनकी जब इतनी बड़ी मकदार में यहाँ बिजली पैदा होनी है, ये सदियों तक आपका आपके ये काम आएगा तो फिर उसमें तो लोगों को बड़ी खुश असलूबी से उनका मुआवजे दिए जा सकते हैं, उनको सेटल किया जा सकता है, उसमें तो बुखल से काम लेने की जरूरत नहीं है। सेटल पे तो गवर्नमेंट ने हुकाम नहीं करना है ना, बुखल से काम लेने की, बिल्कुल आपने सही कहा सर। सर चूंकि ये एक पॉइनियर प्रोजेक्ट है, इस पूरे जो रिजर्व्स का एक पॉइनियर प्रोजेक्ट है, ये ब्लॉक टू में काम हो रहा है, जो पूरे रिजर्व जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में बताए थे उसमें से ये 13 ब्लॉक बनाए गए हैं, ब्लॉक टू पे काम हो रहा है और ये भी तकरीबन 90 स्क्वायर मीटर। 25 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, इस पे कोई काम नहीं हो सका, कुछ नहीं था, अमलन कुछ नहीं हो सका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया आपके तजिए का, खुद वहां से होके आए। बुनियादी बात यह है, पहला मंसूबा 660 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। असल बात यह है कि जो काम शुरू हो चुका है और ये अब कोयले को आप इस्तेमाल में ला सकेंगे, अच्छी खबर ये है पाकिस्तान की। इमरान साहब हैं लोधा से, टेलीफोन लाइन पर उनकी कॉल सुन लेते हैं। इमरान साहब फरमाइएगा, मुख्तसर क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि लोधरा में धुंडली के जो कारखाने उनकी कोई तंजीब बंदी की जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। कह रहे हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है उनकी तंजीमें नौ की जाए या तंजीम बंदी नहीं, उनकी तंजीमें नौ क्या की जाए। अभी मेरे पास चाकी झुमरा से लोग आए हुए थे, वो क्या कहते वहां जो चेयरमैन है ना म्यूनिसिपल कमेटी के जी, उनको वाइस चेयर अंसारी साहब, उनको वाइस चेयरमैन जो है वो उन्होंने अपने मुसल्ला बंदे ला के उनकी फांटी लगाई, उनको दफ्तर से निकाल दिया, दहशत गर्दी का अजीम शान मुजाहरा किया। अब वो इस पे थे इन पर पर्चा कटे, दहशत गर्दी की दफा जिसमें लगी हुई हो, वाइस चेयरमैन दोनों मुस्लिम लीग के, औरंगजेब साहब हैं जी दोनों, नहीं पहले आप देखिए दोनों मुस्लिम लीग के, और जो अंसारी साहब हैं चेयरमैन बेचारे शरीफ आदमी ओरिजिनल मुस्लिम लीग ही हैं, ये दूसरे जो हैं ये माशाल्लाह इख्तदार के साथ होते हैं, तो उनके नुमाइंदे लोधरा में क्या तंजीम। अब वो इख्तदार जो है उनके सामने बेबस बन के खड़ा हुआ है ना, वो पुलिस बात सुन ले, नहीं मुझे याद आ गई ये बात। पुलिस क्या, पुलिस भी जनाब वो चूंकि चुनाचे कर रही है और वो अंसारी साहब ताजर जो है सब माजरत आपकी कॉल नहीं ले सकते, प्रोग्राम ताजर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज़।